नमस्कार दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, क्या आपके मित्र आपको धोखा देते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, जिसके कारण आप सदैव दुखी रहते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इंस्पायर्ड की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके हर पहलू के बारे में हमें अच्छी तरह से क्यों विचार करना चाहिए। जंगल के बीच स्थित वट वृक्ष के खोल में कुछ बगुलों का डेरा था। वे वहाँ वर्षों से रहते आ रहे थे। एक दिन उस वृक्ष की जड़ में बिल बनाकर एक सांप रहने लगा। जब भी अवसर प्राप्त होता, वह बगुले के बच्चों को मारकर खा जाता। अपने बच्चों के मारे जाने से बगुले बड़े दुखी थे। वे किसी तरह उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन वे नदी के किनारे उदास बैठे थे। तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्रों, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? दुखी बगुलों ने अपनी समस्या केकड़ों को बता दी। केकड़ा दुष्ट था, उसने मन ही मन सोचा, ये बगुले मेरे परम शत्रु है, क्यों ना इनको ऐसा उपाय बताऊं कि सांप के साथ साथ इनका भी काम तमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ वह बोला, मित्रों, तुम्हारी समस्या सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब तुम लोगों को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें सदा के लिए उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुले प्रसन्न हो गए और बोले, तो फिर देर न करो मित्र, और शीघ्र हमें वो उपाय बता दो। तुम लोग कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो। शेष टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन जन्मांतर के बैरी है। नेवला सांप का काम तमाम कर देगा और तुम लोगों को सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुले शीघ्र सांप से छुटकारा पाना चाहता था। उन्होंने ज़्यादा सोच विचार किए बिना ही केकड़े की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। जैसी योजना थी वैसे ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष के खोल देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुलों के जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी थी, जिसका फल उन्हें अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। आपको कहानी कैसी लगी, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।